बच्चे को गुरु सेवा बोल के बोलो कितना डिमांड कर रहे पैसों का इस खबरनामे को पेश करता अलमनान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। मेरा नाम प्रकाश, मेरा नाम मेपल है, पापा का नाम प्रकाश कुमार जैन है। ये अभी बात हुआ मेरा बसंत सोनी को गुंडा एक्ट में, हम लोग गए थे बसंत सोनी तो उन्होंने बोला वेंटिलेटर पे, मैंने बताया वेंटिलेटर पे, तो उन्होंने बोला मरना है तो मरने दो, मेरे को उनसे जरूरत नहीं है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, अगर आप पैसे देंगे तो मैं आपको बोले एडवोकेट बसंत सोनी, हम लोग मरना है तो मरने दो, हमारा बच्चा छोटा है, मरना हो तो मरने को दे, इलाज करने का पैसा नहीं है। बसंत सोनी की वजह से मेरे पापा को तो दिमाग में हो गया, आज मेरे मम्मी को या किसी को कुछ भी हुआ तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार रहेगी। बसंत सोनी के लिए पूरा चल रहा है, हमारा परिवार का पूरा चल रहा है, सब मैं हराम कर रहा हूं, सब पूरा चल रहा है, क्या कर रहा हूं, मेरे भी कुछ भी हुआ ना तो सब बसंत सोनी और सरकार का नाम आएगा, मैं तो वही बोल रही हूं। मेरा इसको हैरेसमेंट कर रहे हैं आपके पास, मेरे पापा को 8 महीने से मेरे पापा को हरास करे, तो आप कंप्लेंट करना था पुलिस में, उनकी वजह से 3 महीने से मेरे पापा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है, तो पुलिस में कंप्लेंट करना था। आप पुलिस में एक बार कंप्लेंट करने गए थे, पहले उन्होंने बोले नहीं हमारे को प्रूफ होना, फिर अगली बार वापस गए तो प्रूफ है नहीं हमारे को, ऐसा हम लोग एडवोकेट है नहीं जा सकते, इसलिए हम आप कोर्ट से ऑर्डर ला के दो, जब भी हम लोग करेंगे, फिर एक बार हम लोगों ने FIR भी की तो उसका कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। मैं लोकल में रहता हूँ, यहाँ पे बसंत सोनी बोल के एडवोकेट है, उसका काम धंधा कुछ भी नहीं है, सवेरे म्यूनसिपल ऑफिस में जाना, बैठना, कौन बिल्डिंग बन रहा है उसको कंप्लेंट करना, उसका काम वही है, और उसमें म्यूनसिपल वाले भी मिले जुले हुए, उस कंप्लेंट लेके वापस भी जाना ना, नहीं भी जा रहे, कौन सा बिल्डिंग में भी जाना, कौन सा बिल्डिंग में करना, शाम तक बैठना उस कैसे ऐसे बिल्डिंगों में जाना, और जो जोनल कमिश्नर साहब से भी मिले, उन्होंने भी क्या बोले उसको, कहीं को पिटा रहे उसके पूछे AC भी नहीं बिटा, कहीं को पिटा रहे ऑफिस में, क्या काम है, कोर्ट ऑर्डर है अपने पास 455, ये कोर्ट ऑर्डर है रेगुलेशन का, स्कीम में कोर्ट ऑर्डर अपन डाले हुए, कोर्ट ऑर्डर रहते हुए भी कल ताला तोड़ के डिमोलिशन करें, डॉकेट ऑर्डर है। अब ये मार्केट वाले पूरा एहतजाज कर रहे हैं, मार्केट वाले पूरे उनके हिसाब से फेवर में बंद करे सो बंद कर दिए, पूरा बंद करे सो, पुलिस भी क्या कर रहे हैं, हम कंप्लेंट दिए हमारे घर में घुस गया उन्हें बगैर हमारे परमिशन के, बोले तो तुम लोग प्रूफ ला बोले, फिर हम लोग कैमरा फिट करके प्रूफ ही दिए, ये भी केस नहीं बुक कर रहे उसके ऊपर, कौन सा पुलिस स्टेशन है अफजलगंज भी है, क्या वजह है पुलिस कंप्लेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेने का, इससे पहले भी अगर डिमोलिशन ये वो कैमरे हमारे पास नहीं थे, जब कंप्लेंट दिए तो अपना प्रूफ ला बोले CA साहब, प्रूफ फिर कैमरे फिट करने के बाद प्रूफ लेके जाके बताने पर क्या बोल रहे हैं, ये हम नहीं होता, कोर्ट से ऑर्डर ला के उसको अरेस्ट करो, आप कहीं के लिए आए, उन्होंने पुलिस कहीं के लिए भैया, हमारा घर में घुसरा चोर बोल दो, हम कंप्लेंट कर दो कहीं के लिए, व्यापारी हूँ एक, इधर मतलब हर दुकान वाले को सता रहे, वो लोग आके पैसे पूछ रहे, कुछ तो भी मतलब कैसा डाल रहे फालतू, कौन सता रहे नहीं, मतलब वकील साहब वो जो है ना बसंत सोनी और CI साहब को हम बोले भी कि भैया उसको गुंडा, मतलब ये जो पैसे वसूल कर रहा है उसको गुंडा एक में केस बुक करो, 100 मीटर दूरी वाला केस नहीं डाल सकता हम लोग कहीं से, तो अभी किशनगंज से केस डलवा के अननोन नंबर से फ़ोन करके 30 लाख रुपए दियो, 50 लाख रुपए दियो, हम पुलिस वालों एरिया पुलिस स्टेशन खासकर CI और SAP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आज का आज गुंडा एक्ट में अरेस्ट करो और उसको सबक सिखाओ, एडवोकेट है तो न्याय से ऊपर कोई नहीं है, ये पैसे वगैरह 3 महीने से 2-3-4 जने लोग दिए सो उसको पैसे, उसकी वो और लालच बढ़ गई सो है, इसके लिए वो उसको धंधा बन गया एक की, वो बस उसको बस एक ही काम है लोगों पे केस डालना और पैसे वसूल करने का काम कर रहा है। पहले आप कितने के ऊपर केस कर रहे हो, जहाँ भी बिल्डिंग बन रही उसका नाम है बस उसको दो, बच्चों के नाम से सिद्धू रमेश कौन से एरिया में कर रहे हो ये, हर एक जिला हम तो उस्मानगंज के है, तो उस्मानगंज में जितनी भी बिल्डिंग बना हर एक के ऊपर केस डाले, 2 जने तो डर के पैसे भी दे दिए उनको,
वो आगे नहीं आ रहे, हम तो मैं आगे जो जो बच्चे हैं वो सिद्धा रमेश और कुदाला रमेश करके उन दोनों बच्चों का नाम लेके उन केस डाल रहा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन दोनों बच्चों को पकड़ के पुलिस में रखे तो उन पूरा सच्चाई बोल देता। बसंत सोनी एडवोकेट एरिया में, कौन से एरिया में? किशनगंज में रहते वो। कौन से पीएस को देना है? अफजलगंज पीएस में कंप्लेंट देना है।